चलिए सीरीज टू के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे बोला था मैं धीरे धीरे आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा और उसका पर्पस ये कि आप कंसेप्चुअली समझिए कि अगर आपका डिफेंस एक्चुअल में एम है और आप सीरीज के थ्रू जाते हैं तो बहुत अच्छी एंट्रीज मिलेगी आपको, नो प्रॉब्लम्स। और मैथ्स अगर स्कोर अच्छा कर लिया तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एयरफोर्स या फिर नेवल एकेडमी में इजीली जा सकते हैं। तो मैथ्स में स्कोर कैसे बढ़ा जाए ये पर्पज है, इसलिए धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। अभी तक आप लोग ऑनलाइन कोर्स से जुड़े थे, अब क्लासरूम कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए अब न्यू बैच 23 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं जो इजीली आपसे मैनेज हो, फिर वो क्वेश्चन करिएगा जो कि थोड़े, देखिए तीन लेवल पे पेपर सॉल्व करना चाहिए। फर्स्ट लेवल होना चाहिए जो मेंटल स्केलिंग डाउन में हो, सेकेंड लेवल होना चाहिए फर्स्ट 1, 2, 3 स्टेप में हो, फिर टफ क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। अब देखिए एज एंड एज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। राधा एंड रानी आर सिस्टर, दो लोग दिए हैं, एक है राधा, इसको चौथा एक्स मान लो, एक है रानी, इसको आप वाई मान लो। फाइव ईयर बैक मतलब एक्स माइनस फाइव ईयर बैक, राधा वॉज 3 times टू द रानी, ये 3 times है, यानी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 3y-15, यानी x माइनस 3y, या ऐसा भी ले सकते हैं, अभी ऐसे ही रहने दे चलेगा, x इक्वल टू 3y-10, राइट, x इक्वल टू 3y-10। अब क्या बोला सुनिएगा, अब बोला है बट 1 year back, एक साल पहले x माइनस 1 इक्वल टू 2y-1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 2y-2, यानी x इक्वल टू आप बोल सकते हैं 2y-1, x ये रख दीजिए, 2y-1 इक्वल टू 3y-10, देन y इक्वल टू 9, यानी y 9 है, तो y को 9 यहां रख दीजिए, तो 18-17, ये 17, यानी राधा की एज 17 है, रानी की एज 9 है। अब इसको लॉजिक से भी देखें तो एक साल पहले ये 16 और 8, यानी डबल हो गया, 5 साल पहले ये 12 और 5 साल पहले ये 4, 4, 3 या 12, बिल्कुल ठीक है। अब पूछा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8, तो 17-9=8, सिंपल क्वेश्चन है एज प्रॉब्लम का, आप इजीली कर सकते थे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या, इफ वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, मतलब y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स है, ऐसा बोला गया है। इनवर्सली का साइन हटाओगे तो सिंपल सा लॉजिक है, एक कोई कांस्टेंट डाल दो, यानी आप ऐसा बोल सकते हो के इक्वल टू रूट एक्स इनटू वाई। अब क्या बोला है, एंड एक्स इक्वल टू 36, जब एक्स 36 है तो वाई भी 36 है, तो के कितना हो जाएगा, 6 into 36। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई 54, एक्स वैल्यू क्या होगी जब वाई 54 हो, तो के आप निकाल चुके हो 6 into 36, एक्स निकालना है और वाई कितना दिया है 54, कैंसिल कर दीजिए, ये 9 times कैंसिल और ये 4 times, तो 4 equal to root x, यानी x इक्वल टू 16। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि root x is inversely, वो y is inversely proportional to root x, inversely proportional, ये proportional का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट डाल दिया आपने, आपको दिया x और y, x 36, y भी 36, उससे k मिल गया, x की वैल्यू पूछी है कब, जब y 54 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना होगा बताता हूं। सबसे पहले आप समझिए कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट 7 power 25, 8 power 23, 9 power 20 रिस्पेक्टिवली गिवन है, आपको वैल्यू भी दी है, लॉग 2 की वैल्यू दी है 0.301, इससे ही करते हैं, लॉग 3 की 0.477 एंड लॉग 7 की 0.845। अब आपको कुछ इस ढंग के ऑप्शन दिए, मैं उसका ट्रिक बताता हूं, करना तो सारे ही निकाल सकते हैं, 21, 20, 19, कुछ रीजन है ऑप्शन लिखने का, 20, 19, 18, 22, 21, 20, 22, 20 and 21। अब नंबर ऑफ डिजिट का क्या कंसेप्ट है बताता हूं, पर देखिए इसमें 2 20 मैच कर रहे हैं, इसमें 2 20 ये मैच कर रहे हैं 22, इसमें चारों अलग अलग हैं, क्यों ना हम सबसे पहले 9 power 20 में निकाल दें। इसका कंसेप्ट ये होता है कि इसको आप x मान लो, log ले लीजिए, log x इक्वल टू log 9 power 20, आप इसे लिख सकते हैं 20 log 9, log 9 को चाहे तो आप लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर, 2 आगे आ गया तो 40,
40 इंटू लॉग 3। अब करना ये होता है कि लॉग 3 की वैल्यू जो दी है वो यूज करें, 40 इंटू 0.477, राइट। एक जीरो छोड़ दीजिए, तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं, राइट, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, आप देखिए करना इतना है कि 0.477 में 4 का मल्टीप्लाई कर दे, बाकी तो 8 2 0 3 16 प्लस 3 19, यानी आप बोलेंगे, एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं जीरो कर देंगे तो 19.08, अभी 1 पॉइंट था। जो भी इसका नंबर आए, जो भी इसका नंबर आए, याद रखिए जैसे ये आया 19, इसमें प्लस 1 कर दीजिए, जो इंटीग्रल पार्ट है इसका, इसमें 19 पॉइंट समथिंग यानी 19 प्लस 1 यानी 20, तो इसमें 20 होंगे। अब 20 देखें तो एक ही में है, तो ये राइट आंसर नहीं करना, नहीं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। कि अगर आप इसको करते तो आप ऐसा लिखते log y इक्वल टू 7 पावर 25, तो log y इक्वल टू 25 log 7 देन 25 log 7 की वैल्यू डालते 0.845, जो भी इसका इंटीग्रल पार्ट होता प्लस 1, एंड सेम थिंग यहां पर भी यही करना था, पर लॉजिक से करेंगे तो टाइम काफी बचेगा। और वही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि आप स्पीड में कितने कर पाते हैं, और यही कोशिश की जाती है, यही मैंने ऑनलाइन में भी किया, और यही बताना चाहूंगा कि हम इसी कोशिश के साथ अगर करेंगे तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, समझिएगा। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक्स एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स, में अगर एक्स को 14 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 7 आता है, और एक्स को 15 से डिवाइड कर दें, एक्स को 15 से डिवाइड कर दें तो आता है 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए 14 को अगर लॉजिकली देखें तो 14 होता है 2, 5। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे दिए, 20 लेस देन एक्स 30, बी 30 लेस देन एक्स लेस देन 40, सी 40 लेस देन एक्स लेस देन 50, एंड डी इज ग्रेटर देन 50। अब आपको एक तो वर्ड बोला लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बोला है। अब देखिए अगर थोड़ा सा 20 से 30 के बीच में अगर आप मान लीजिए सपोज 25 लेते, 15 का डिवाइड करते तो 10, 30 लेते तो पूरा डिवाइड हो जाता, ठीक 20 से बड़ा लेना है तो आप देखो 21 भी लोगे तो 6 आएगा, यहां पर आओ 30 में 15 का डिवाइड करो तो 35 में करोगे तो, अगर मैं 35 नंबर लूं, 35 में 15 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5, 35 में 14 का डिवाइड किया 42, ये रिमाइंडर 7, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, राइट। आपको बस ये करना है कि आपको 15 का डिवाइड करके देखना है, आप 20 से बड़ा और 30 के बीच में कोई भी लेंगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली नेक्स्ट वाला लिया, क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। अब इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1 रूट 75 इज अ नो, रूट 75 वो इरेशनल नंबर है क्योंकि 5√3, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। अब जिस ऑप्शन में जैसे ये दिया 1 एंड 2 तो ये रॉन्ग, 2, 3, 3, 4 और 2 एंड 4। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स सच दैट -4x/5 लेस देन -7/8, यस एक्स की जगह अगर 1 रख दें तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो 2 ट्रू है। अब 2 ट्रू है इसमें और इसमें, यानी ये भी रॉन्ग हो गया, तो आप 3 को चेक ही ना करें तो अच्छा है, सीधा सीधा नहीं 3 को चेक करना पड़ेगा, पर ये रॉन्ग है तो अब आप एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 4 को चेक कर लेते हैं, बाकी 3 को भी कर सकते हैं, x माइनस 2 अपॉन x लेस देन 1 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, नो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि x की कई वैल्यू ऐसी हो सकती है जब ये ग्रेटर देन मिले, जैसे -10 ही ले लें तो -10 अगर आपने ले लिया तो -12 upon -10 प्लस हो जाएगा और ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो थर्ड भी रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, फोर्थ चेक मत करिए मिलेगा, बाकी 4 है, 4.232323 रिकरिंग नंबर है, इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन, देखिए
कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका, अ पर्सन सेल टू आइटम ईच एट रुपीज 990, एक पर्सन दो आइटम को 990 रुपीज में सेल करता है, एक में 10% गेन करता है, एक में 10% का लॉस करता है, तो आपको बताना है व्हाट इज द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कभी भी गेन और लॉस में हमेशा लॉस होगा। एक्चुअल में मान लीजिए 900 का आइटम है, 990 है, तो 10% 90 तो 990, 1100 का आइटम है जब 10% का लॉस होता है तो 990, राइट। उसको टोटल मिला है कितना, 990। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर इसको लॉस हो रहा है, क्योंकि एक चीज थी 900 की, एक थी 1100 की, ओवरऑल हुआ कितना, ओवरऑल कितना हुआ 2000 रुपीज का, पर मिला कितना 1880, यानी 1% का उसको लॉस हुआ, क्योंकि 20 रुपीज का लॉस हुआ, यानी 1% का लॉस हुआ, तो इसका होगा 1% लॉस, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कैन एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 रिजॉल्व इंटू 3 लीनियर फैक्टर, कब 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। मान लीजिए k की जगह 0 रख दूं तो माइनस 7x प्लस 6, अब x में इसमें x कॉमन लू तो x स्क्वायर माइनस 1, माइनस 6 कॉमन लू x माइनस 1, x माइनस 1 होल कॉमन लो तो x इंटू x माइनस ऑफ 6, या दो फैक्टर इसके तो 3, यानी k की वैल्यू 0 ही होगी, यही करेक्ट आंसर हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोला गया है, समझिएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 4/27। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का रूल होता है एलसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम लेना है तो 3, 6, 9, 27 का एलसीएफ होगा 3 अपॉन में 3 एक ही आंसर में, और एलसीएम होगा न्यूमरेटर का 5, 4, 20, तो 20/3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए जरा और समझिएगा, इफ द इक्वेशन एक्स 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट्स, हैव अ कॉमन रूट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। सिंपल है, इसके रूट्स क्या है, -2, -3 रख दीजिए, -2 रूट्स बोला है तो -4, -2 के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 1 आ गया, -3/2, सॉरी ये 2 रख 4 होगा, के इक्वल टू 5/2, एक रूट तो ये आ गया, 5/2 देखें तो एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन में, एक बार माइनस थ्री रख दें तो 9 माइनस 3x प्लस 1 तो 10/3, तो 5/2 एंड 10/3, इससे फैक्टर निकाल के इसमें पुट कर दो। इतने अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, चलिए करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है।